नमस्कार, एक्सप्रेस स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भटोरिया। बीजापुर में 1200 जवानों की सुरक्षा के बीच 9 करोड़ 60 लाख की लागत से बनी 12 किलोमीटर की पक्की सड़क को बने 12 महीने भी नहीं हुए थे कि सड़क पर सैकड़ों बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दरअसल इंटर स्टेट कॉरिडोर पर बसे पामेड़ को आजादी के 7 दशक बाद सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद आज से एक साल पहले शुरू हुई थी और अब निर्माण के चंद महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए से बनी पक्की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा में लगे जवानों पर माओवादियों ने 6 बार हमला भी किया। इतना ही नहीं बल्कि बरसाती नाले पर बनाया गया पुल तक बह गया है। बड़े लंबे समय से हमारी मांग थी सड़क बनने का, तो कई सालों से हम लोग मांग करते करता है तब चालू हुआ काम। अभी सड़क का निर्माण उसमें 100% कम्प्लीट नहीं हुआ है, ऑलरेडी हम लोग उसकी राशि अभी रोक के रखे हैं और मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त है उस आधार पर कहीं कहीं पर उसके बोर्ड खराब हो रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से ठीक करेगा, उसके बाद ही हम उसमें उसके अगला भुगतान करेंगे। ऑलरेडी चूंकि अभी हम उसका पैसा अभी रोक के रखा है। सर इसमें अभी एक साल पहले रोड का निर्माण चालू हुआ था, अभी 6 महीने पहले डामरीकरण हुआ था ये पूरा यहाँ से, मतलब 1 महीने के अंदर, और उसके बाद ये पूरा बीच वो क्या बोलना चाहिए तेलंगाना सीमा से यहाँ तक पूरा आधे से ज्यादा उखड़ गया पूरा। आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हमें पामेड़ सड़क के बारे में जो जानकारी मिली है, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है और विभाग इस आप सभी के रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी जो मिल रही है उसमें विभाग की पूरी तरह से लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। उसमें अगर कोई ठेकेदार अगर काम लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन और सरकार से हमारी मांग है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। तो एक साल भी नहीं हुआ पर भी अभी बरसात के कारण इतनी तो देख ही रहे हैं पीछे से, तो हम लोग को इतना खुशी लग रहा था कि रोड बन गया, थोड़ा सा तसल्ली है मन की तसल्ली, चलो आने जाने का सुविधा बन गया बोल के, लेकिन अभी इतना ये हो गया है कि आने जाने और की भी दिक्कत है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं पवन दुर्गम। पवन, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो सड़क निर्माण का कार्य है बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुआ था, तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ था लेकिन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जो वहां पर जिला उपाध्यक्ष हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया, ये कैसे किस तरह का ये पूरा मामला थोड़ा सा समझ नहीं आया। जी आपको बता दूं, ये जो सड़क है तेलंगाना से पामोड़ को जोड़ने वाली, इसका टेंडर निविदा जो है ये भाजपा के शासनकाल में हुआ था तकरीबन 30 साल पहले, और तभी के जो निचले स्तर का काम था, गिट्टी बोल्डर और जो मुरुम बिछाने का काम था वो शुरू किया गया था उस समय में, लेकिन पिछले 6 महीने पहले यहाँ पे डामरीकरण का कार्य किया गया था। जो कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जो है जयपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके द्वारा किया गया था और 6 महीने के अंदर ही लगभग 700 से ज्यादा जो छोटे बड़े गड्ढे हैं वो इस सड़क पर हो गए हैं। इस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जो है वो ठेकेदार और जो संबंधित विभाग है उसके द्वारा खेला गया है, क्योंकि ये दूर नक्सल इलाका है। आप ऐसे समझिए कि 1200 से ज्यादा जवान और 5 जो कैंप है सुरक्षा बल के कैंप है वो इस 12 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें वहाँ पे तैनात है, जिसमें तेलंगाना क्षेत्र में 2 पड़ते हैं कलिवेरू चेलमेला के साथ तिप्पापुरम सोमगुड़ा और पामेड़ में जो जवान है वो पदस्थ है। सीआरपीएफ डीआरजी कोबरा सीएस के 1200 जवान तैनात हैं। यदि आप पवन, इसमें 2 ठेकेदारों को काम दिया गया था, पहले मुरम डालने का काम किसी और ठेकेदार के पास था, डामरीकरण का काम किसी और ठेकेदार के पास? नहीं, दोनों जो काम है वो जो शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके पास ही था, और इसमें एक तकनीकी जो पहलू है उसकी वजह से ये पूरा जो सड़क है वो बर्बादी की कगार पे है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हमें बताया कि जो डामर है वो करीब 100 किलोमीटर दूर से मिक्स करके ले जाकर वहाँ लगाया जा रहा था, और 100 किलोमीटर का लंबा जो सफर है वो तय करते करते डामर जो है वो एकदम ठंडी हो जाती है, तो उसकी पकड़ पूरी नहीं बन पाई। उसके अलावा जो सड़क में मुर्मीकरण का WBM का जो काम किया गया था वो भी कंटिन्यूअसली कर रहे थे और वो सूखी नहीं थी, और वहाँ पे रोलर भी सही तरीके से नहीं चला गया तो सूखी नहीं थी, इस वजह से जो डामर है वो उखड़ चुकी है। अब पूरी की पूरी सड़क को उखाड़ कर फिर से जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक कितने भी बार प्रशासन दावे कर ले, ठेकेदार दावे कर ले, सरकार दावे कर ले कि उसकी मरम्मत की जाएगी वो संभव। आपको रोकना चाहूंगा, विक्रम मंडावी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है
ये रोड 9 करोड़ के तकरीबन की है जो बनाई गई है, और जिसका ठेका था वो जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनके पास था, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। और जिस तरीके से इतने जवानों की सुरक्षा के मद्देनजर इस सड़क का निर्माण कराया गया, और उसका सिर्फ चंद दिनों में ही उस पूरी सड़क पर 720 के करीब गड्ढे हो गए। हेलो जी विक्रम जी, ये जिस सड़क की बात कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो तेलंगाना क्षेत्र है, तेलंगाना राज्य है, उस सड़क की बात है। सड़क अभी बना हुआ है और इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से जरा कुछ जगहों में डैमेज हुआ है। जैसे मामला सामने संज्ञान में आया है तो प्रशासन ने उन सड़कों की मरम्मत करने के लिए कहा है, और जो भी उस पर अगर कहीं पे दोषी पाए जाते हैं, सड़क बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगा। विक्रम जी, भ्रष्टाचार हुआ है, दोषी पाए गए, तो भ्रष्टाचार तो सामने दिख रहा है ना। आप काम तो तभी कर रहे हैं ना सड़क पर, जो नई सड़क अभी बनी है तभी तो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जब भ्रष्टाचार हुआ है, वरना नई सड़क बनने के क्या 2 साल या 1-6 महीने में ही काम शुरू हो जाता है क्या? नहीं नहीं, जो आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो सड़क बहुत ही विषम परिस्थितियों में सड़क बनता है वहाँ पर, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है में बनता है। और नहीं, अभी मामला तो पहली बार संज्ञान में आया है, सामने मीडिया के माध्यम से, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से और मीडिया समूह के माध्यम से बात सामने आया है, तो उस आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। कलेक्टर ने जांच का आदेश दिया है, जांच होगा और कार्रवाई होगा। तो विक्रम, जिस तरीके से पहले जब रोड का निर्माण हो रहा था, सड़क का निर्माण हो रहा था, तब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नहीं नहीं, मामला तभी सामने आया है, इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले गड्ढे नहीं थे? मामला नहीं 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 था, जैसे जैसे सामने मामला सामने आया तो प्रशासन ने उसे संज्ञान में लिया है और जांच जांच करवा रही है, और जांच के उपरांत जो भी मामला सामने आया उसे कार्रवाई किया जाएगा। और विक्रम जी, जो इंजीनियर होता है उस इंजीनियर ने इस रोड को पास भी कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सर बरसात बहुत ज्यादा होने की वजह से जरा जरा गड्ढे बन रहे थे, और उसके बाद में तुरंत उस बरसात खत्म होने के बाद में जैसे मामला सामने आया है तो कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर इसको जांच का आदेश दिया है और जांच से मरम्मत भी के लिए कहा है और मरम्मत चल भी रहा है। चलिए विक्रम मंडावी जी, मतलब इस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 1 साल भी रोड नहीं चल रही है, समझ में आ रहा है विकास किस तरीके से किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और आखिर क्यों इस पर कार्रवाई की बात कर टाल मटोल किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, उनकी बातों से विधायक जी के साफ समझ में आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं और क्या कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उनकी बातों से दूरआभास की स्थिति थी, और साथ ही साथ थी जब ये सड़क वो बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार तो साफ नजर आ रहा है, ये गड्ढे बयां कर रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन एक साल भी नहीं हो पाया जिस सड़क को, और उसकी मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जैसा कि कलेक्टर का जिक्र किया गया, जो निर्माण कार्य समिति उसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, उन्होंने इससे पहले इस पर नजर क्यों नहीं डाली, अब मरम्मत कराई जा रही है और कह रहे हैं कि राशि रोक के रखी है, 9 करोड़ की सड़क है, 8 करोड़ तो पे कर चुके हैं, अब कौन सी राशि बची हुई है ज्यादा? देखिए जी, दरअसल ये जो सड़क है दूर नक्सल प्रभावित इलाका है, तो ऐसे इलाकों में जो ठेकेदार है उनको बड़ी रकमों में ये टेंडर जो है वो दिए जाते हैं, और ऐसे इलाकों में अमूमन लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और ठेकेदार जो अपना खेल है वो यहाँ से खेल के चले जाते हैं। लगातार पिछले 1 साल से मीडिया में हमने स्वराज एक्सप्रेस में भी खबरें दिखाई थी कि वहाँ पे गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है, बावजूद उसके प्रशासन, सरकार, किसी जनप्रतिनिधि ने उस इलाके में कोई भी ध्यान नहीं दिया, ना ही उस कार्य को बंद कराया गया, ना ही गुणवत्ता के साथ उस कार्य को कराने के लिए किसी ने वहां पे रुचि दिखाई। ये महज पामेड़ से तेलंगाना को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था पर की गई है। अगर आप सड़क की विकास की बात करें तो बीजापुर से सही मायने में विकास बासागुड़ा के रास्ते से जुड़ता है, ना कि तेलंगाना के रास्ते से। बावजूद इसके जो ठेकेदार हैं वो सत्ताधारी दल में है आज, कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ नजर आ रहा है, ये विधायक जी की बातों से भी नजर आया, और साथ ही साथ ये जो बयां कर रही है सड़क, ये भी काफी कुछ कहानी बयां कर रही है और वहां के विकास की कहानी बयां कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन। देवेंद्र नगर मंडी में, मंडी परिसर में हो रहे